साथियों नमस्कार, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करूंगा। साथियों जैसे आपको पता ही है, अभी हम राजस्थान की सैर कर रहे हैं और राजस्थान में धौरों की जो धरती है उसका आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं और अलग अलग इलाके में जा करके और अलग अलग तरह से यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो बारे में और जो चीज़ें आप सब जानना चाहते हैं वो मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो आपने जैसे पिछले वीडियो में देखा होगा, तो यदि नहीं देखा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था जो यहाँ की एक जो खास एक जो पेड़ होता है जिसको खेजड़ी बोलते हैं और उसकी सांगरी की सब्जी जो होती है वो उस वीडियो में मैंने जिक्र किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, मैं नीचे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें जिससे आपको यहाँ की जो चीज़ें हैं वो समझने को मिले और अच्छा वीडियो वो लोगों ने पसंद किया था, तो आप भी ज़रूर देखें। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसे आप देख पा रहे हैं ये मेरे पीछे जो है, और ये जैसे आप देखें ये खींप है जिसे हम खींप बोलते हैं। यहाँ पर ये जो पेड़ है, छोटा पेड़ होता है ये, और ये बहुत मात्रा में होता है। और इसके साथ में आप ये देखें तो इसको हम सणिया बोलते हैं, यहाँ की भाषा में हम लोग सणिया बोलते हैं। तो अलग अलग जो है एरिया में अलग अलग नाम से जाना जा सकता है, लेकिन इनका क्या यहाँ यूज होता है, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होती हैं उनका वहाँ पर उसी के उपयोग से, उसी के यूज से और जो है चीज़ें जो है उनको यूज करके और चीज़ें बनाई जाती है और उनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको बात करूँ तो ये जो आपका खींप है, जैसे ये आपने देखा, तो इस खींप से यहाँ पर जो घर बनते हैं, पुराने जो घर बनते हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा बहुत सारी फिल्मों में या जो ठेठ राजस्थान का जो कल्चर है, जो पुराना हमारा यहाँ का कल्चर था, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ये पुराने जो घर होते हैं, जैसे झोपड़ी टाइप के घर होते हैं या फिर इस टाइप के जो घर होते हैं, उसमें ऊपर की जो छत है, ऊपर जो छत डालते हैं उसमें इस खींप का काम होता है, और साथ में इसी खींप का रस्सी बना करके और उसको बांधने के लिए, यानी रस्सी भी इसी से बना ली जाती है और ऊपर की जो छत होती है वो भी इसी से बन जाती है, और इसको घर बनाने के लिए काम में लिया जाता है। पूरी तरह से ये घर बनाने के उपयोग में आ जाता है, और यदि सूख जाता है तो फिर जलाने के काम में उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका उपयोग जो है वो खास करके पुराने ज़माने से ही घर बनाने में या जलाने में काम इसका आता है खींप, और ये ठंडी भी होती है। गर्मियों में इसमें इसके अंदर से हवा आती है तो वो गर्म नहीं रहती है, ठंडी हो जाती है। और ऐसे ही यदि सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में इस खींप के बने हुए जो घर होते हैं वहाँ पर सर्दी ज़्यादा नहीं होती है, और साथ में जो है गोबर का जो, क्योंकि यहाँ पर गाय जो है वो हमेशा से पाली जाती है और या फिर भैंसे हैं, तो उनका जो गोबर है, खास करके गायों का जो गोबर है वो ज़्यादा यूज किया जाता है, और गायों के गोबर से और ये घर को लेप दिया जाता है। जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के बाद में उससे उसको ऊपर लेप दिया जाता है, जैसे आजकल सीमेंट और बजरी का जो उपयोग करके प्लास्टर किया जाता है, वैसे ये पुराने ज़माने में यहाँ पर ऐसे घर बनते थे और उससे ये घर भी ठंडे रहते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको एक नई जानकारी राजस्थान के बारे में मिली होगी, और आप यहाँ तक अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और आपका कोई भी कमेंट हो या आप अलग तरह का कोई भी वीडियो जो आपको लगता है कि ये देखना है तो आप अपना कमेंट ज़रूर करें, या इस वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो भी आप अपना सुझाव ज़रूर दें जिससे मुझे भी समझने का मौका मिले और मैं भी उस पर और काम करके इन वीडियो में आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।